Assalamualaikum viewers, मैं हूं ज़ुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं उबैद। Assalamualaikum सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, गर्म हो गया। अच्छा सर, तो हमारे साथ कौन सी गाड़ी है इस वक्त? आज हमारे पास Volkswagen Beetle है, जिसको पाकिस्तान में फॉक्सी कहा जाता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे नाम है इसके, फॉक्सी के अलावा वो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन खैर आप अपनी बात। तो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इसको बीटल कर दिया, तो आपने क्या नाम रखा है इसका? मैंने इसको प्यार से मैं इसको ब्लू बर्ड कहता हूँ, और मेरी बहुत खास गाड़ी है मेरे लिए ये। काफ़ी इसने मेरे साथ टाइम गुजारा है और हमने इसको काफ़ी इसको रन किया है, ड्राइव किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके साथ। मतलब ये नॉर्मल बीटल से यूनिक है, इसके पीछे मैं ट्रॉलर लगा हुआ देख रहा हूँ, वो बहुत यूनिक से किस्म का। भाई मसला ये है कि ये मैंने खुद कस्टम डिज़ाइन किया है इसको। ये मेरे पास सिर्फ शैल था, शैल को मैंने देख के थोड़ी सी गूगल से मदद ली, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो हमारी टीम वर्क ने इसको एक तैयार पूरा उसकी कैम्बर, इसकी चेसिस, ईच एंड एवरीथिंग इसको कस्टम मेड इन पाकिस्तान, बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान हमने इसको किया। एक्चुअली ये जर्मनी के अंदर और ब्राज़ील के अंदर ये गाड़ियाँ आज तक कायम हैं, आज तक चल रही हैं, ठीक है जी, और सारी कंट्रीज के अंदर भी चल रही है, अमेरिका है, इस्तांबुल है, टर्की है, इटली है, तो इन जगहों पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमने इस गाड़ी को उनके पैटर्न पे एक्चुअली तैयार किया। वो गाड़ियाँ यंगस्टर्स के लिए, जिस तरह यंगस्टर्स ने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं थोड़ा सा लो राइड करके, मॉडिफाइड करके, तो इस तरह हमने इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर तैयार किया। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये गाड़ी रिसेंटली ही 2003 के अंदर ही डिसकंटिन्यू हुई, तो बुरा लगा? नहीं, 2003 के अंदर तो हुई, बुरा तो नहीं लगा, हमारी गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, जो हमारे पास चीजें थी उनकी वैल्यू। बिल्कुल, ये विंटेज हो गई। कौन सा मॉडल है ये? है 1972 का मॉडल है ये। ऑलराइट, और मेरे पास तकरीबन 4-5 साल हो गए इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले ये लाइट ब्लू कलर में होती थी, फिर मैंने इसको रॉयल ब्लू कलर किया। एक्चुअली ये कलर भी मैंने बाहर से मंगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये कलर अब तक पूरे पाकिस्तान में किसी बीटल पे नहीं हुआ हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त पेंट जॉब हुई है। अच्छा, मुझे इसके रिम्स के बारे में बताइएगा। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से BBS के रिम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, सारे 6 के 6। बेसिकली BBS स्टैंड फॉर जर्मन, जर्मनी ने ये कस्टम डिज़ाइन किया था बीटल्स के लिए, BMW के लिए, मर्क के लिए, तो ये गाड़ियाँ सिर्फ लगते ही जर्मन गाड़ियों के ऊपर थे। Alright. तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इसके अंदर बीटल के अंदर ये अपने BBS। अच्छा, तो ये आपने ओरिजिनल उठाए हुए हैं या रेप्लिका है? नहीं, ये बेसिकली ये 9JJ हैं पीछे वाले। Alright. और ये नॉर्मल BBS है, ये 2 सेट मेरे पास कम्प्लीट है, और ये ओरिजिनल जर्मनी के ब्रांड है मेरे पास, नो रेप्लिका, नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज ब्रांड। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नॉर्मल BBS और JJ के टायर में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये है कि चाइनीज आपको तकरीबन ब्रांड न्यू सेट 45,000 तक का मिल जाता है। ऑलराइट, और जर्मनी का जिसके पास सेट पड़ा हुआ उसके यूज्ड के अंदर वो आपको 60,000-75,000 इस तरह के रेट्स आपको मिलते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग के ये चाइनीज है जर्मन? शौकीन बंदा इसको पहचान लेता है? नहीं, मैं नॉर्मल आम बंदों की बात कर रहा हूँ। क्या आम बंदा नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उनके अंदर हूबहू का फ़र्क है, खाली रंग का फ़र्क होता है, वेट का फ़र्क होता है, लो वेट का फर्क, मतलब क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी में भी फर्क आ जाता है। एग्जैक्टली, देखिए ये आप इसको खड्डों में मारे और ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल रहेंगे, ठीक है, उसको आपने खड्डे में मार देना, वापस बाहर निकालना है तो इंशाल्लाह रिम आपका टूटा हुआ निकलेगा। ये वाला सीन है इसका, इनके जर्मन। अच्छा, मैं देख रहा था माशाल्लाह से कैम्बर लग रही है मुझे, तो हाँ। इसके पीछे क्या स्टोरी है? बेसिकली ये कैम्बर हुई नहीं है, कराई नहीं है ये, एक्चुअली इसका वेट हमने इसको जो डाला है तो ये ऑटोमेटिकली कैम्बर्ड हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, ये कैम्बर हुई है तो वो खूबसूरत एक शेप निकल आया इसका, बेहतरीन लग रही है माशाल्लाह। नॉर्मल स्टॉक कंडीशन पे रखा हुआ था, ये ऑटोमेटिकली कैम्बर हो गई मेरी गाड़ी वेट की वजह से पीछे। ऑलराइट, इंजन जो है वो नॉर्मली हमने पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर आगे होता है, इसका इंजन किधर है? देखिए, इसका इंजन होता है पीछे बैक के ऊपर, ठीक है, ये एयर कूल्ड इंजन कहलाता है, इसके अंदर ना पानी डलता है और ना इसके अंदर रेडिएटर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये एयर कूल जर्मनी ने जब बनाए थे तो जंग अजीम में बनाए थे, बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने बनाए थे, हिटलर ने जो है वो उस जमाने के इंजन अब तक चल रहे हैं। हम इनको ओवरऑल करते हैं कंप्लीट, ठीक है, इसके कार्बोरेटर, इसके ईच एंड एवरीथिंग, इसको हम सब चीज ओवरऑल करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम गाड़ी को अपना ऑन रोड करते हैं। अच्छा, ये मार्केट में अवेलेबल है इंजन अभी भी? देखिए, मार्केट में इंजन अवेलेबल नहीं है, सामान अवेलेबल है, पार्ट्स अवेलेबल है, जैसे आपके पिस्टन्स हो गए, रिंग पिस्टन्स हो गए, टायर रॉड्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग। आप तो ब्लॉक कहाँ से उठाएंगे? देखिए, ब्लॉक्स तो इन पुरानी गाड़ियों के ही यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी के पास नहीं होते, तो यहाँ पे कुछ मैकेनिक्स हैं उनके पास से मिल जाते हैं, हमें कुछ दोस्त हैं हमारे उदो से बाप हैं, उनके पास स्टॉक में रखे होते हैं इंजन के, यार मिल गया तो लेके रखे, मेरे पास भी है, मैंने भी लेके रखे हुए हैं,
जब हुआ जरूरत पड़ी तो मैंने उठा के उसके अंदर रख लिया। अच्छा, तो इंजन की क्या कॉस्ट आ जाती है? देखिए, इंजन अगर एक इसका ओरिजिनल इंजन के ऊपर तैयार हम पैटर्न पर तैयार करते हैं तकरीबन 50,000 से 55,000 रुपए आ जाते हैं। अच्छा, मतलब ये आफ्टर मार्केट पार्ट्स इंस्टॉल होने के बाद या टोटल ओवरऑल इंजन? आफ्टर मार्केट पार्ट्स तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके जो स्टॉक कंडीशन पे जो इंजन आता था और जो अब स्टॉक कंडीशन की मैं बता रहा हूँ कि 50,000 से 55,000 रुपए इसकी लागत आती है। अच्छा, तो स्पेसिफिकली आपकी ये कितनी BHP है? इसको हम 60 to 65 कहेंगे। अरे, तो स्टॉक कितनी आती है? स्टॉक आती है 35 to 40। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये इंजन 1500 cc है? ये इंजन 1500 cc है और इसके अंदर ये बहुत कम वेरिएंट आया है 1500 cc का। एक्चुअली 1500 cc का जो वेरिएंट आया है वो थोड़ा सा हाईली HP वाला वो कहते थे इसको। तो इसके काफ़ी बाहर से इनके वाटर पम्प्स आते हैं, जनरेटर्स आते हैं इन इंजनों के ऊपर बने हुए जो शीशा में हमें मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभार साल में डेढ़ साल के अंदर एक आता है, वो भी टूटा फूटा, वो उसको फिर हमने जोड़ना होता है, बाकी सामान अपने पास से लगाना होता है। अच्छा, एक जब हम अर्ली 90s की बात करें तो एक मिथ था, मिसकॉन्सेप्शन था बीटल के बारे में कि भाई मैं बीटल नहीं लूंगा, आग लग जाएगी इसके अंदर और गाड़ी जल जाती है और ये बैटरी हो जाता है। इसके अंदर जैसी जैसी जिद्दत आती रही वैसी वैसी और लोगों ने इसके ऊपर जिद्दत करी कि ये होता क्यों है। इसके दो इसके भंड हैं जो मैं कहूँगा। एक इसके अंदर इसकी एक्चुअली जो बैटरी है वो बैक सीट के नीचे है, ठीक है, अंडर द सीट। एक्चुअली उसके जो टर्मिनल्स हैं वो सीट के स्प्रिंग से टकराते थे और उससे जो है ना ब्लास्ट होता कम्बशन हो, और उसके अंदर जो सीट्स के अंदर जो रुआ और ईच एंड एवरीथिंग होता है वो उससे उसको आग भड़क जाती थी, जाती थी। इंजन रूम में जाती थी क्योंकि सीट के नीचे होने की वजह से वो इंजन रूम में वायरिंग जा रही, तो वो वायरिंग जलाती थी इंजन रूम। तो उसका सोल्यूशन आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने क्या जुगाड़ करी हुई है, तो जुगाड़ ऑफ द डे आज मुझे बताएंगे वैद भाई के बीटल को किस तरह से बचाना है आग लगने से। इसका एक लकड़ी का बॉक्स बन जाता है, ठीक है, उसको हम बॉक्स के अंदर उतार देते हैं, उसके टर्मिनल्स हम उसके बॉक्स के अंदर ही उतार देते हैं, ठीक है। और हम करते ही हैं उस बॉक्स को बंद कर दिया, ढकना बंद कर दिया, हमने सीट रखी, अब आप जाएं, भले आप इस्लामाबाद होके आ जाएं, गाड़ी का इंशाल्लाह अपनी बैटरी का तंग खत्म हो गया। तो इसकी बैटरी जो है वो डाउन वाउन हो जाती है, इस तरह का सीन होता है? इसकी बैटरी आप मैं मेरा तो रोज़ाना डेली ड्राइव नहीं है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ। खैर, मैं कोशिश ये होती है कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसको स्टार्ट करता हूँ, 5-10-15 मिनट का एक राउंड दिया, उसको खड़ी कर दी, गाड़ी बैटरी मेरी डाउन नहीं होगी। हाँ, सर्दियों में थोड़ी बहुत ट्रबल कर जाती है, फिर हफ्ते में एक बल्कि 3-3 दिन स्टार्ट करनी पड़ती है, गाड़ियाँ बहुत स्लोली चार्ज करती हैं। एक्चुअली स्टॉक इसका जो अल्टरनेटर होता है हमारे गाड़ियों में, जापानीज़ गाड़ियों में, लोकल गाड़ियों के अंदर जनरेटर्स होते हैं, बिल्कुल इनके अंदर अल्टरनेटर्स होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर्स जो है वो स्लो चार्ज करता है बनिस्बत जो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो स्लो चार्जिंग का है, जनरेटर है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नई टेक्नोलॉजी। जी जी। अच्छा, तो आप इसमें ड्राई बैटरी यूज़ करें एसिड? नहीं, मैं एसिड यूज़ करता हूँ। एसिड यूज़ कर रहा हूँ। जी जी। और ड्राई बैटरी इनके लिए विंटेज गाड़ियों के लिए मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा। वजह? क्योंकि ड्राई बैटरी स्लो होने के बाद चार्ज बहुत कम होती है। जैसे इस बैटरी की, एसिड बैटरी की लाइफ 1.5 से 1.5 साल होती है, उसकी 6 से 1 साल होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार एसिड डलवाओ, सस्ती है, लेकिन आप ये डलवा लो यार, लाओ दूसरी ला के डाल दो, चेंज हो जाए। तो कितने एम्पियर की चला रहे हैं अभी आप इसमें? मैं इसके अंदर 100 एम्पियर चला रहा हूँ क्योंकि मैंने साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, HIDs लगाई हुई है और नीचे गाड़ी के नीचे मिनी पूरी LED का काम हुआ हुआ है, तो वो उसके अंदर मैंने सारी, फिर वो ट्रेलर की लाइट्स उसके साथ कनेक्टेड है, इंडिकेटर्स हैं, तो वो थोड़ा सा मैंने इसको बड़ी बैटरी लगाई हुई है जो कि हमारे बड़ी चीज़ों के अंदर आती है, जैसे बड़ी गाड़ियों के अंदर आती है, जीप्स वगैरह में आती है वाली बैटरी लगाई हुई है। वैसे नॉर्मली जो बीटल के अंदर आती है वो 60 to 80 की बैटरी जो है वो बेहतरीन होगी इनके लिए। 60 भी लगाई हुई मैंने, 80 भी लगा के रखी हुई दूसरी गाड़ियों के अंदर, तो बस सही चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वायरिंग के हवाले से मुझे बताइएगा, और मैं एक और चीज़ आना चाह रहा था आपसे कि जो फ्यूल पम्प का आप मुझे बताए थे, अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे वीडियो से पहले कि फ्यूल पम्प जो है आपने इसका स्टॉक नहीं रखा हुआ, आपने जो है उसमें चेंज किया हुआ है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा सा। देखें, इसका एक्चुअली मसला ये है, फ्यूल पम्प इसका एक एक्सपेंसिव आइटम है इस गाड़ी के लिए, तकरीबन वो यूज़ में अगर हम लेते हैं तो 8-9 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप है, ठीक है, वो मेरे जैसे यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ी वो है अमाउंट है। और इसका नया फ्यूल पंप हम मंगाते हैं तो वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का आता है, फिर वो कस्टम आता है, फिर कस्टम दिया जाता है उसका, फिर वो बहुत लंबी चौड़ाई होती है, 20 हज़ार रुपये का तकरीबन पड़ जाता है। अब हमने करा ये, हमने इसके अंदर एक लोकल जुगाड़ किया, हमने इसके अंदर नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पम्प मिलते हैं वो हमने लगा दिए, ठीक है,
अच्छा उसके अंदर क्या होता है, उसका जो फ्यूल थ्रोटल होता है वो होता है हमारी लोकल गाड़ियों के लिए, हमारी जापानीज गाड़ियों के लिए उसके लिए होता है। तो हमने उसकी स्पीड भी स्लो की हुई। अच्छा, उसके अंदर खोल के उसके अंदर ऑल्टरेशंस करके उसको स्पीड भी स्लो की हुई, जो इस गाड़ी का फ्यूल पंप के हिसाब इसको देता था बिल्कुल, उस कार्बोरेटर के लिए उस प्रेशर का मैंने उसके अंदर फ्यूल पंप सेट करवाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें आप कार्बोरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? कार्बोरेटर मेरे पास 34 HP का है इसका, और बड़ा कार्बोरेटर कहलाता है बेसिकली। थोड़ा सा मुझे थ्रॉटल इसलिए ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि मेरे ट्रेलर भी है तो वो खींचा जो बिल्कुल वो जान चाहिए, जान चाहिए होती है उसको एक्चुअली बिल्कुल। अच्छा स्पार्क प्लस कौन से यूज कर रहे हैं आप? स्पार्क प्लस मैं NGK के यूज करता हूँ। NGK के एक्चुअली होता ये है, NGK के जापान के एक दफा आप लगा ले तो जान छूट जाती है आपकी, ठीक है। अच्छा NGK के लगाने के बाद, NGK जब आप लगाते हैं तो एक दफ़ा तो खर्चा होता है लेकिन वो फिर आपके साल डेढ़ साल आराम से वो निकाल देते हैं प्लग्स आपके। अच्छा जो मार्केट में इजीली NGK के स्पार्क प्लग्स अवेलेबल हैं और जो आप कह रहे हैं जापानीज जो हैं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं उन दोनों के दरमियान? देखिए एक तो प्राइस का बहुत बड़ा फैक्टर है, डीलर है या आप जिस शॉप से सामान लेते हैं वो शॉप वाला जो है या तो आपको अच्छा रिजनेबल बंदा हो कि यार आपको दे सके, आपको गाइड से कर सके। इसके अंदर लोकल में और चाइनीज़ में और जापान के अंदर बहुत फ़र्क है। लोकल वाला 150 रुपये का, एक मिसाल की बात है, तो चाइना वाला 250 रुपये का है और जापान वाला 350 रुपये का, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है, आपने 150 वाला लेना है 250 वाला लेना है, वो आपके सामने 3 रख देगा भाई, आपने कौन से उठाने, तो आपने वो उठाने आपकी मर्ज़ी, आप 300 का लगाए 350 का लगाए वो। तो परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है? बिल्कुल आता है। क्या किस तरह से? हम साल में एक दफ़ा इसके प्लग चेंज करते हैं क्योंकि कम चलाने की वजह से मैं इसके साल में एक दफ़ा प्लग चेंज करता हूँ। हाँ ट्यूनिंग जब गाड़ी की करता हूँ तकरीबन 3 महीने में एक दफ़ा करता हूँ, और उसके अंदर मैं इसके प्लग्स खोल के साफ़ करता हूँ, वॉश करता हूँ, वॉश करके मैं इसके अंदर वापस इंसर्ट कर देता हूँ। सही माशाल्लाह। इसमें आप फ्लूइड कौन से यूज़ करें? फ्लूइड कौन से यूज़ करें, इंजन ऑयल वगैरह? मैं बेसिकली ज़िक का बहुत लवर था लेकिन ज़िक ने अपना थोड़ा सा क्वालिटी वाइज गिरा दिया। नहीं करें ऐसा है? ऐसा है। मैं अभी शेल पर ट्रांसफ़र हो गया, शेल रेड 2050 जो आता है रेड वाला, वो बेहतरीन है इसके लिए क्योंकि थोड़ा सा थिकनेस में बिल्कुल विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो वो जो ऑयल है इन गाड़ियों के लिए बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा थिक ऑयल चाहिए होता है क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा हो, आना जाना होता है। तो इसमें ऑयल कितना लीटर आता है? इसमें ऑयल आता है 3 लीटर, ठीक है। बेसिकली वो 4 लीटर का डब्बा आता है, सही है। तो 3 लीटर इसके अंदर हम डालते हैं, 1 लीटर हम इसके अंदर रख लेते हैं। इसके अंदर बीमारी होती है पुरानी गाड़ियों के अंदर, वो टिप 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 बहता रहता है। अच्छा वो ऐसा नहीं बहता कि आपके ऑयल चीज़ लीक हो या उसकी वजह से बहता है, वरना आप गाड़ी रन करते हैं काफ़ी लॉन्ग रूट पे ले जाते हैं तो हल्का सा एक टिप दो टिप गिर जाते हैं। जब हम इसकी ट्यूनिंग करने पे आते हैं तो हम ट्यूनिंग करते हैं, इसका ऑयल चेक करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें डालना पड़ता है, तो वो 3 महीने में वो पूरा मेरा लीटर हो जाता है। अच्छा तो आजकल क्या कॉस्ट चल रही है उसकी? मैंने कल ही लिया है 1950 रुपये का, मुझे मिला है कल वो शेल का। इसमें आप ब्रेक ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ब्रेक ऑयल गार्ड का यूज़ करता हूँ, गार्ड का पहले सिकंस का यूज़ करता था। स्विच करने की वजह? सिकंस अब वो क्वालिटी नहीं आ रही जो पहले आ रही थी, वही बात है क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो अब बात नहीं होती हमारे यहाँ, तो हम तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वो यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं खुद गाड़ियों को समझता हूँ, गाड़ियों को रखता हूँ, काम करता हूँ उनके ऊपर, तो मैं इस चीज़ के लिए हर किसी को ये प्रेफर करता हूँ यार ऑयल तो आप डालो बेहतरीन करके, जो आपसे अच्छे से अच्छा हो, गार्ड से अच्छा कोई और वो मुझे प्रेफर करें कि नहीं यार गार्ड से भी अच्छा कोई आया है। तो मैं वैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, अपनी जापानीज गाड़ियों के अंदर भी गार्ड ही यूज़ करता हूँ मैं ऑयल। इसके अंदर ब्रेक्स कौन से लगे हुए हैं? इसके अंदर अपने नॉर्मल स्टॉक ब्रेक्स होते हैं, शू ब्रेक्स, जो हमारी पुरानी गाड़ियों के अंदर शू ब्रेक्स आते थे तो वही शू ब्रेक्स हैं, इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स नहीं आते। अच्छा और आगे और पीछे का क्या हिसाब किताब है? दोनों पीछे जो है इसके शू ब्रेक्स आते हैं। तो मतलब आपने ट्रेलर में भी कोई एक्स्ट्रा ब्रेक लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ? एक्चुअली ट्रेलर के अंदर ब्रेक का सिस्टम नहीं करा अभी हमने, ये मेरे पास एक टारगेट था, उस टारगेट को हमने पूरा किया। दूसरा ये कि इसकी जो ब्रेकिंग है हमने इसके इस गाड़ी के साथ रखी हुई, इस गाड़ी को जब स्लो करते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी रुक जाती है। तो आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो फिर उनकी वेयर एंड टेयर कॉस्ट बढ़ जाती होगी क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा सी बात है पेलोड कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आ रहा है। एग्जैक्टली इस पर एक्चुअली दो गाड़ियों का वजन आ रहा है, ठीक है। दो गाड़ियों को रोकना, जैसे हम गाड़ी को टो करते हैं तो टो करने पर क्या होती है कि हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल भी ज़्यादा होता है, वो भी होता है, तो इसलिए मैं बीटल को ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, इसके ट्रेलर को उतार देता हूँ, सिर्फ ओकेजनली इवेंट्स पे कार शोज पे मैं इसको निकालता हूँ और मैं इसको ड्राइव करता हूँ। अच्छा ये ऐसा है कि आप दो बंदे भी आराम से इसको रिमूव करें,
घर पर खड़ा करें, अपनी बीटल निकाल के ले जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसे तैयार किया। मतलब बहुत ज़बरदस्त यूनिक लग रहा है वैसे ये। अच्छा ये आपने इसका रूफ टॉप खुद डिज़ाइन किया है? एक्चुअली ये पूरा कस्टम मेड है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसका दरवाज़ा है ये फ्रंट पे, इसका दरवाज़ा है, इसका रूफ ऊपर से खुल जाते हैं, ये दो नट कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल है, ये दो नट पे है। आपने इसके दोनों नट खोले, आपने रूफ निकाली, घर पे रखी, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, दोस्त या ज्यादा हैं, एक ही गाड़ी में जाना चाहते हैं, पांच बंदे गाड़ी में बैठ गए, पांच बंदे पीछे बैठ गए, इतनी जगह है उसके अंदर, पांच बंदे नहीं कर रहे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसके अंदर सीटिंग ऐसी की है कि तीन बंदे ऊपर बैठ जाए, तीन बंदे नीचे आराम से खुलम खुला बैठे, ठीक है। तो आप इसको सॉफ्ट अप करें, अपनी रूफ निकाल के घर पे रखें और आप पिकनिक पे चले जाएं। अच्छा मुझे बताइएगा ये ट्रेलर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कहाँ से? एक्चुअली मैं बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मैंने इसके ऊपर ट्रेलर तैयार करना था, बीटल के ऊपर बचपन से चलाता आ रहा हूँ बीटल। तो मैंने सोचा कि मैंने यार कुछ ऐसा यूनिक किया जाए, बीटल्स तो बहुत तैयार कर ली, कुछ ऐसा यूनिक किया जाए, थोड़ा सा कुछ हट के हो। तो ये मैंने जो इसका बॉडी है ये मैंने परचेज करी, फिर उसको खरीद के फिर इसके ऊपर आइडिया सोचा कि करूँ तो करूँ क्या मैं इसका। खैर तकरीबन कोई डेढ़ साल की मेहनत के बाद ये एक आपके सामने एक तोहफा है, ये देखिए आप, ये मैंने इसको तैयार किया माशाल्लाह। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जो ये शेल है आगे पीछे दोनों सेम ही है, इसके बारे में बताइएगा। इत्तेफाकन कह लें, मेरी लक गुड लक कह लें कि ये दोनों मॉडल सेम मॉडल हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको कस्टम मेड जब हमने किया ना तो हर चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने इसको तैयार किया। पहले मैंने गाड़ी तैयार की, गाड़ी तैयार करने के बाद फिर मैंने ट्रेलर तैयार किया। तो इन दोनों का अगर हम अरसा मिलाएं तो तकरीबन ढाई साल मुझे लगते हैं कि मैंने इन दोनों को तैयार किया। अच्छा तो ये जब गाड़ियां आपने दोनों उठाई तो उनका कलर क्या था? उसका डार्क ब्लू था, कुछ रॉयल ब्लू शेड का था, ये मेरे पास पहले दूसरे कलर में थी तो फिर मैंने इसको वापस स्क्रैप किया। तो आपने पूरा स्ट्रिप डाउन करके कराया? एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल स्क्रैप ग्राउंड टू अर्थ, मैंने इसको पूरा स्क्रैच किया, उसके बाद फिर मैंने इसके बॉडी वर्क करवाया। एक्चुअली सब हमारे टीम वर्क नहीं किया, तो टीम वर्क जो है हमारा वो बहुत ज़रूरी होता है। और तो क्या कॉस्ट आ जाती है इसके ऊपर? मतलब अगर आप बेयर मेटल जा रहे हैं हम लोग तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि रस्टिंग वगैरह का इशू कराची में बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम वही निकालते हैं कि इसकी जो बीमारी है, ठीक है, हम बीमारी पे पहुँचते हैं। इसकी बीमारी होती है कि अंदर से लोग करते हैं क्या है, लोग इसको स्क्रैप नहीं करते, ऊपर ऊपर से इसको देखा कि यार ये चोट लगी हुई, यहाँ इसको पोलीगेट लगाई और उसको जाने दिया, जाने दिया, सही है, ऊपर से रंग मारा सर मारा जाने दे। अब देखेंगे ये गाड़ियाँ रोज़ाना नहीं बनती, ये गाड़ियाँ सालों में जाके, पाँच साल में, दस साल में जाके कोई बनवाएगा, मेरे से भी कोई लेके जाएगा तो वो दस साल बाद बनवाएगा, यार मैं इतनी महंगी गाड़ी ली है तो वो मेरे से दस साल बाद बनवाएगा। लेकिन उसको इंशाल्लाह ये उम्मीद होगी कि नहीं यार मैंने किसी अच्छे वजह से ली है, गाड़ी उसने नस्ली खानदानी रखी हो, क्योंकि मैं वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेयर मेटल करने पर जब गाड़ी पर हम जाते हैं तो हमें एक गाड़ी की डबल क्रॉस देनी पड़ती है, ठीक है, स्क्रैप करना, फिर उसके जो सारे वो है बिल्कुल लेयर्स लगती हैं उसके, एग्जैक्टली जो जंग वाले पार्ट हैं उसको काट के फिर वो डेंटिंग कराना, उस पर बड़ा टाइम लग जाता है। जहाँ हम एक गाड़ी तैयार करते हैं छः महीने में, ये इस तरह की गाड़ी चली जाती है आठ महीने में, नौ महीने में, इस तरह पे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक्स। एग्जैक्टली 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 फिर आपके सामने भी है कि स्क्रैप होकर गाड़ी बनती है तो फिर आपके सामने बनती कैसी है, ये देखिए बेहतरीन माशाल्लाह, इसकी पेंट जॉब बहुत जबरदस्त लग रही है। थैंक यू सर। तो इस पे कितनी लेयर्स हुई हैं? इस पे दो लेयर्स हुई हैं, दो लेयर्स हुई हैं। एक्चुअली ये भट्टी नहीं है, लेकिन भट्टी नहीं कहेंगे, लेकिन इसे भट्टी से हल्की क्वालिटी में है। ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वर्कशॉप पे किया है, ये काम कोई भी बाहर का नहीं है। सही सही है जी, ये मेरी टीम वर्क है, मेरे पास अपने काम डेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, अपने मैकेनिक हैं, अपने मेरे ईच एंड एवरीथिंग, मेरी अपनी पूरी एक टीम है, ठीक है जी, अपनी टीम ने, मेरी टीम ने ये मुझे तैयार करके दिया। मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा जो ड्रीम था, वो उन लोगों ने अचीव करके दिया। इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है? बिल्कुल एक मतलब एक नॉर्मली अगर एक कस्टमर को अच्छा है, नहीं नहीं मैं जानना चाहूँगा, मैं व्यूअर इसको नहीं, कोई बात नहीं, उड़ा दें हम आप। सर ये तकरीबन देखें गाड़ी की और ट्रेलर की मिला के तकरीबन मुझे 9 लाख रुपये कॉस्ट कर चुकी है। ऑलराइट, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आफ्टर मार्केट चीज़ें बहुत लगाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अंदर स्ट्रिप्स भी जो आप देख रहे हैं ये सिंगल आती हैं, ये मैंने इसको इस्तांबुल में एक हमारे दोस्त हैं सेम मॉडल उन्होंने तैयार किया, लेकिन कलर उनका दूसरा रेड में, तो उसने ये स्ट्रिप लगाई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये मेरा स्ट्रिप लगा नहीं, लेकिन मैं लोकल बना के लगाऊंगा। ये मेरे पास जो आप इस गाड़ी पे काम देख रहे हैं ये कंप्लीट लोकल काम है और फिनिशिंग आपके सामने बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा पेंट जॉब की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उस पर क्या कॉस्ट आती है?
देखें इसके अंदर दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है प्लेन कलर होता है, एक होता है स्पार्कल्स कलर होता है जिसको हम मेटालिक कलर भी कहते हैं। तो इन दोनों की डिफरेंस में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर हम प्लेन कलर अगर किसी बीटल पे करके देते हैं तो सिर्फ ग्राउंड हमारे पास तैयार आया है और हमने सिर्फ कलर करना हो तो तकरीबन हम 55,000 हम चार्ज करते हैं। और इसमें बेस कोट होगा, क्लियर कोट होगा? एग्जैक्टली, फर्स्ट कोट बेस कोट होता है, फिर उसके बाद दो कलर के कोट लगते हैं और फिर दो हार्डनर लगकर जिसको हम क्लियर कोट बोलते हैं। सही। अच्छा, किसी को पर्ल्स वगैरह ऐड करवाने हो तो उसमें उसका क्या हिसाब किताब होता है? तो क्लियर कोट में पर्ल्स के लिए देखें होता यह है कि फिर उसका कलर ही अलग बनता है, ठीक है। उसका कलर ये होता है कि उसका मेटालिक पे तैयार बेस जो है मेटालिक पे तैयार की जाती है, ठीक है। जैसे आप इस गाड़ी ये देखें तो इसका कलर ही बेस बिल्कुल माशाल्लाह पर्ल पे है, वही ग्लिटर शाइनेस हो जाता है। ये तकरीबन 85,000 to 90,000 तक की कॉस्ट पड़ जाती है। ऑलराइट माशाल्लाह। ऑलराइट व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, माशाल्लाह से उबैद भाई जो है वो विंटेज कार रिवाइवल के नाम से अपना वर्कशॉप रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं। सर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करें आप लोग हमें? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेड बॉडी जब आती है, डेड बॉडी कहते हैं उसको, एक्चुअली डेड बॉडी आती है तो उसको फिर हम दुल्हन बनाते हैं माशाल्लाह। तो उसके ऊपर डेंटिंग, पेंट वर्क, इलेक्ट्रिशियन, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर, कलर वर्क, ईच एंड एवरीथिंग, फिटिंग्स, ये वो सब एक नमूना मैं आपको दे दिया माशाल्लाह। मतलब इन हाउस सारा जॉब डन हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह विद मैकेनिकल काम माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपके पास आना चाहे तो आपको कांटेक्ट किस तरह से कर सकता है, आपको रीच आउट किस तरह से करें? मेरा फेसबुक पे पेज है विंटेज कार रिवाइवल्स, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, आप लिंक पे भी डाल दीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल दीजिएगा, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले। बेसिकली मैं जो चल रहा हूँ मेरे पास चेन पे चेन चल रही है, ठीक है जी माशाल्लाह। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चेन मेरे पास चल रही है उसके पीछे गाड़ी लगे, मैं बीच में नहीं घुसाता कि यार आप आए हैं तो आपकी मैं गाड़ी लगा लूँगा, ऐसा नहीं होगा, आपका नंबर लगाया जाएगा। ऑलराइट, अब मेरे पास जो गाड़ी डेंटिंग पे है तो मैं आपकी गाड़ी डेंटिंग के काम के लिए आएगी तो मैं अपना डेंटिंग का काम नहीं छोड़वाऊंगा। बिल्कुल, मेरी लाइनअप होगी गाड़ी तो लाइनअप के अंदर ही मेरी गाड़ी पर इंसर्ट होगी। तो लेट्स सपोज मैं अगर आप आज एक प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आता हूँ तो कितना टाइम लगेगा वो प्रोजेक्ट? अगर आप मेरे पास बीटल लेके आते हैं तो मैं उसको आपको कम से कम भी 6 महीने दूंगा। ऑलराइट, 6 महीने में हम उसके ऊपर हर अपने तरीके से काम करते हैं और बेयर मेटल से काम करते हैं हम, ये नहीं कि और लोगों की तरह जो और लोग कर रहे हैं काम, बिल्कुल, हम बिल्कुल। उनकी तरह काम नहीं करते। आप आते हैं बैठे हैं तो आपको एक तो लगेगा नहीं कि आप किसी वर्कशॉप पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए एक पर्सनल गैराज मेरा बेसिकली है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों यारों का काम करता हूँ, लिंक्स होते हैं कुछ लिंक्स पर काम कर रहा हूँ। खास ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं मेरा अपना प्रोफेशनल वर्कशॉप है, नहीं नहीं माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त तो काम कर रहे हैं, देख के हमारे सामने कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा करें, सीखने को मिलता है इन गाड़ियों से, सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत एक्चुअली हॉबी थी, ड्रीम था कि मेरा एक आपको शायद याद होगा कि नेशनल ज्योग्राफिक पे एक अमेरिकन चॉपर्स आता था। बिल्कुल, अमेरिकन चॉपर्स बिल्ड कर रहे थे। तो वो ड्रीम जो है ना, वो आपने देखा होगा कैसे वो बाइक्स लेके आता था, वो बाइक्स लेके लगाता था। वैसे ही मुझे ये बताइएगा, मैं क्या अपना माइंड बना कर रहा हूँ आपके पास कि कितना बजट लेकर आऊँ आपके पास मुझे गाड़ी बनवानी है? तो मैं सबको यही बोलता हूँ, आपको भी यही बोलूंगा कि इस चीज में जितना गुड़ डालो इतना मीठा नहीं, लेकिन एक मिनिमम जो मिनिमम प्रोजेक्ट जो हम स्टॉक पे तैयार करते हैं वो तकरीबन 4, 4.5, 5 तक का पहुंच जाता है। ठीक है, विदाउट शेल? विच शेल आपका होगा? अच्छा, शेल शेल आपका होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। सही है, मैं पूरी डिटेलिंग के साथ आपको तैयार करके दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग, रबर्स, पिंपल्स, ईच एंड एवरीथिंग, डेंटिंग का काम, पेंट का वर्क, न्यू इलेक्ट्रिशियन का वर्क, इंटीरियर वर्क, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, इंजन होना जरूरी है उसके अंदर या इंजन होना जरूरी नहीं है? देखिए वो आपकी गुड लग है अगर आपको इंजन मिल जाए, इन गाड़ियों के अंदर इंजन होना ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारे पास ब्लॉक आ जाता है कि यार ये ब्लॉक आ गया इसके ऊपर काम करना, कार्बोरेटर मिल जाता है, पिस्टन्स मिल जाते हैं, इसके हेड मिल जाते हैं, तो वो इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि इंजन होना एक ज़रूरी होता है। कुछ लोगों ने इसके अंदर जापानीज इंजन भी लगाए हुए लेकिन वो रिलायबल नहीं है इन गाड़ियों के लिए, क्योंकि जो जर्मन ने इसको लाइफ नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर टू से अभी तक चली जाए 65 साल चली है माशाल्लाह ये गाड़ी प्रोडक्शन लाइन में, ऐसा ही है और अभी भी चल रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं उसको। बाइक्स की बात निकली थी, आप मुझसे अभी थोड़ी देर पहले अपनी मेमोरी चाइल्डहुड मेमोरी शेयर कर रहे थे बीटल से आने से पहले की कहानी। सर देखें, बीटल से आने पहले की कहानी तो मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं सुनाऊंगा तो रात हो जाएगी। नहीं नहीं, वो एक जो बड़ी
मेमोरेबल जो मेमोरी है आपकी वो मुझसे शेयर कीजिएगा, वो ट्रेल बाइक वाली जो थी। एक्चुअली मसला ये हुआ कि हमने ईद के पैसे जो ईदियाँ मिलती थी और पॉकेट मनी मिलती थी हमें, हम उसके अंदर सेव करते थे पैसे, हम सेव करके मैंने दिए अब्बा जी को। मैं 9th क्लास में था, मुझे आज तक याद है माशाल्लाह। और अब्बा जी ने मुझे बोला कि बेटा बोर्ड का जिस दिन आखिरी पेपर हो, जिस दिन मैट्रिक में हो जाए कि यार मैं बस मैट्रिक में गया, लास्ट पेपर वाले दिन आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेल बाइक दिलवा दूँ। ट्रेल बाइक का बचपन से शौक रहा। खैर तो बस सर वो उसको पैसे जमा करके अब्बा जी को दिए, बोर्ड का पेपर ख़त्म हुआ, भागे भागे अब्बा जी के पास गए, अब्बा जी ने जाके एक बीटल दिलवा दी। अब उस बीटल को धक्के मार के पहुंचाया घर पे, और फिर उसके ऊपर बहुत उसके ऊपर मेमोरीज रही हैं। वो बीटल आज तक मेरे पास मौजूद है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कौन सा मॉडल है? वो है 69 का मॉडल है। ओहो, 69 का मॉडल है वो मेरे पास। बड़ी हिस्ट्री है कैसे? वो अभी तैयार हो रही है, कभी कम्प्लीटली डेंट पे फारिक हो गई है, अभी पेंट वर्क का काम हो रहा है अभी मेरे पास, तो इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपने बाइक्स भी रखी लेकिन फिर आप बाइक्स के साथ हट गए, मार्केट से आउट हो गए, फिर टोटली बीटल की तरफ आ गए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए बाइक हमारे लिए नुकसानदेह इसलिए है कि बाइक्स में आपकी गलती नहीं होती, आपको लगती ज़रूर है, बाइक सेफ नहीं। एक्चुअली मुझे बाइक चलाने का इतना खुद शौक भी नहीं था, लेकिन जब रहा तो जुनून की हद तक रहा। आगे में इसके ऊपर जो शेड्स आ रहे हैं ये स्टॉक हैं या आपने? नहीं कस्टम मेड है, ये यही तैयार कराए पाकिस्तान। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसके अंदर जो चीज़ें लगाऊं या अपनी गाड़ी में जो चीज़ें लगाऊं वो मैं कस्टम मेड लगाऊं, ठीक है। जापानी ब्रांड न्यू ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करना है माशाल्लाह। मेरा कोशिश ये होती है कि नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये मेहनत कर सकते हैं और करते हैं और आपके सामने हैं, ठीक है जी। हमारे यहाँ मसला ये नहीं होता कि आपने पैसे दिए सामान लिया और लाके लगा दिया, मसला ये होता है आपका दिमाग ये होता है कि आपने उसको कस्टम मेड करा। कस्टम मेड का जो मज़ा होता है, जो आपकी खुशी होती है, आप यकीन माने जब मैं लेके निकलता हूँ तो लिटरली मैंने अपने अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलवाया, तो ऑडी का शीशा खुलता है और बंदा थम्स अप करके जाता है। कहाँ वो करोड़ रुपये की गाड़ियाँ, कहाँ मेरी गरीबों की? नहीं नहीं माशाल्लाह गरीबों की बात नहीं है। अच्छा साइड मिरर इसके बारे में बताइएगा, ये भी कस्टम है? नहीं ये ओरिजिनल है, ये हमारी मजबूरी होती है लगाना, क्योंकि इसके अंदर आते ही यही है, फिक्स के अंदर यही आते हैं। सही। अच्छा बनाए हमने, लेकिन लोकल में वो मज़ा नहीं आता जो इसके अपने ओरिजिनल में बात है। तो प्रैक्टिकलिटी कैसी है, मतलब पीछे जो है वो सब नज़र आता है आराम से? देखा आपने मुझे देखा चलाते हुए, बिल्कुल, तो मैंने रिलैक्स होकर चलाई गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। अच्छा तो ट्रेलर जब अटैच होता है तो रियर व्यू मिरर काम करता है या नहीं करता आपको जो है वो? नहीं रियर व्यू मिरर तो काम ट्रेलर के साथ भी करता है, ट्रेलर के पीछे तक दिखाता है मुझे। बेहतरीन, ऐसा उसको सेट किया है, हर चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए काम किया कि अगर हम रियर व्यू मिरर से देखें तो ट्रेलर के पीछे तक हमें नज़र आए कि ट्रेलर के पीछे कौन आ रहा है। सही। तो ट्रेलर के पीछे वाली गाड़ी भी मुझे नज़र आ रही थी कि ये कौन सी गाड़ी आ रही है, तो ये था। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा इसकी ट्रांसमिशन क्या है? इसकी ट्रांसमिशन मैनुअल है और ये 4 स्पीड गियर कहलाता है। सही। एक हम इसको रिवर्स भी काउंट करते हो 5। सही। इसका जो स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर वगैरह, उसके बारे में मुझे बताइएगा। देखिए स्टॉक है, इसका स्टॉक है, जो स्पीडोमीटर है वो भी स्टॉक है। एक्चुअली ये माइल्स पर आवर्स वाला हिसाब होता है, MPH, ठीक है जी, MPH वाला हिसाब होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मीटर इसके अंदर लगे होते हैं वो 80 और 90 का फाइनल शो करता है, जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ियों में 180, 200, 220 तक शो करता है, इस तरह इन गाड़ियों में 90 तक खाली आता है। अच्छा हम 90 को जब हम इसको किलोमीटर्स पे कन्वर्ट करते हैं तो वो 180 का आ जाता है, तो डबल आता है, 20-40 हो जाता है, 40-80 हो जाता है, तो इस तरह वाला हिसाब होता है। सही। अच्छा फ्यूल टैंक किधर है गाड़ी में? इसका फ्यूल टैंक फ्रंट के अंदर माउंट है ओरिजिनली, और इसका कैप यहाँ से हम फ्यूल इसका रिफिल कराते हैं। तो ट्रंक स्पेस कैसी है इसकी? ट्रंक स्पेस इतनी है कि एक फैमिली का लगेज आ जाता है पूरा इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। तो इसके अंदर आप अपनी फैमिली को पूरा एक लगेज रखें और पाकिस्तान टूर पे निकल जाएं, इतना सामान आ जाता है। अच्छा पाकिस्तान टूर पर चली जाएगी ये? मैं लेके गया हूँ। नहीं करें, मैं लेके गया इस्लामाबाद, लेके गया माशाल्लाह, वहाँ से मरी ड्राइव करिए गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पार्ट पे ऐसी ही चल रही थी, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये सवाल पूछना सही तो नहीं होगा लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा, फ्यूल इकोनॉमिकल है या नहीं है? नहीं देखें
मैं फ्यूल इकोनॉमिकल इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये पर लीटर हमें 12-13 टच कर रही है। जो हमारी बड़ी लैंड क्रूजर्स वगैरह वो होती तो बहुत बड़ी सीसीज हैं, लेकिन ये उन गाड़ियों के क्योंकि कार्बिटर बेस होने की वजह से ये गाड़ियाँ इसलिए इतनी कम इसको हमें माइलेज देती हैं। सही, तो ये आप कार्ब चला रहे हैं, EFI का कोई सीन नहीं है? देखिए, अब तक EFI पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं आया। इसके अगर हम इंजन वगैरह बाहर से मंगाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे वो हमें, तो उसकी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ये हैं वो, बहुत चीज़ें जो है ना हमें एक्सपेंसिव पड़ेंगी। इसमें फ्यूल कौन सा चला रहे हैं आप? फ्यूल नॉर्मल चलाते हैं, हाई ऑक्टेन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाई ऑक्टेन इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये EFI नहीं है, और दूसरा ये कार्बोरेटर बेस है। कार्बोरेटर बेस के लिए आप नॉर्मल फ्यूल भी इसके लिए, मतलब जो कार्बोरेटर बेस इंजन होते हैं उसमें रॉन वाला कोई सीन नहीं होता? नहीं 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 नहीं, कुछ सीन नहीं। माशाल्लाह से ये मुझे रॉकेट बनी की लिप आगे नज़र आ रही है, ये रॉकेट बनी की ही है या नहीं है? नहीं, ये रॉकेट बनी की नहीं है, बेसिकली फाइबर बेस लिप है। ठीक है जी, ये मार्केट से हमने तैयार कराई है। अच्छा, माइंड हमारा था कि हमने इसको एक्चुअली इसका सस्पेंशन हमने इसको छुपाना था, तो इसको हमने थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए इसको फाइबर पर कन्वर्ट करा। तो हम इसको बना लोहे पे भी सकते थे, लेकिन फाइबर पे इसलिए बनाया क्योंकि जिसका जो कट है, जो अभी इसका कट देख रहे हैं, ये कट इसका जो है ना लाना जरूरी था। माशाल्लाह बहुत अच्छा शेप लग रहा है इसका इस तरह से, और ये कलर भी ब्लैक रखा हुआ है आपने। अच्छा, ये गार्ड जो है, क्रोम है, ये इसका स्टॉक है या नहीं है? एक रूम है पीछे, बड़ी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली ये गाड़ी मैंने एक ली थी, इसके अंदर ये आज तक वही जर्मनी का बम्पर है जो इसके अंदर क्रोम हुआ हुआ है। माशाल्लाह, ये इसके ऊपर पाकिस्तानी क्रोम नहीं चढ़ा, ये ओरिजिनली क्रोम जर्मन बम्पर है। ठीक है जी, इसके पीछे बड़ी लोगों की राले टपकी है कि ये मुझे दे दें, लेकिन मैंने दिया नहीं है उसको। तो मैंने एक्चुअली करा ये कि मैंने फिर इसको अपनी गाड़ी के अंदर लगाया, इंसर्ट किया, और अपनी गाड़ी में इंसर्ट करने के बाद फिर मैं इसको चला रहा हूँ। अलहमदिल्ला ये अपनी गाड़ी पे ही लगा हुआ है, मैंने देना नहीं है। माशाल्लाह। उबैद भाई, ये गाड़ी डेली ड्रिवन है या नहीं है? देखिए, ये गाड़ी मैंने तकरीबन 2 साल तक डेली ड्रिफ्ट किया है। ठीक है, अब फैमिली माशाल्लाह मेरी बड़ी हो गई है, बेटा है मेरा एक माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, मैं अब इसको डेली ड्राइव नहीं करता गाड़ी, क्योंकि मैं आना जाना मेरा अकॉर्डिंग ही होता है। असल में डेली ड्राइविंग इसलिए नहीं है क्योंकि अब सामान इसका बहुत महंगा हो गया। इसकी जो बैक लाइट है वो तकरीबन 5,000 रुपये की हो गई, जो हमारी जापनीज गाड़ियों की लाइट्स होती हैं, इस तरह के थोड़ा सामान बहुत एक्सपेंसिव होना शुरू हो गया। तो हम इसको अब डेली ड्राइविंग नहीं करते, कार शोज़ में, इवेंट्स पे, कभी शादी में जाना हो तो पॉलिश कराई, चल भाई ले गए, तो ये वाला सीन होता है इसके अंदर, कभी कभार वाला है। सही है। एक्चुअली इसको हम कहेंगे तो सेकंड कार के तौर पे हमने इसको रखा हुआ है, तो वीकेंड कार है ये, एंजॉयमेंट के वाले से। एग्जैक्टली। अच्छा, टर्न्स के ऊपर ये कैसा परफॉर्म करती है? टर्न्स इसका नॉर्मली है, क्योंकि हमने हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके जो टायर्स डाले वो 15 के, जो उसके स्टॉक्स आते हैं वो भी 15 के ही आते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत चौड़े टायर लग रहे हैं, ये कौन से टायर डाले हैं आपने? ये ब्रिजस्टोन के नहीं, तो ये डनलप के टायर्स हैं मेरे पास, इसके अंदर 4, 5, 6 बल्कि ये डनलप के ही टायर्स हैं मेरे। मुर्दा हालत में क्या प्राइस चल रही है इसके आज का? देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया था तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में हमें गाड़ी मिल जाती थी विद पेपर्स। ठीक है जी, उसके अंदर ये होता था कि टैक्स वगैरह नहीं होता था, वो शॉर्ट होता था, तो वो हमें भरवाना पड़ता था एक्साइज जाके। अब इसको अगर हम अप टू डेट करते हैं, एक मुर्दा हालत जिसे हम कहते हैं, मतलब तो वो रनिंग कंडीशन में इंजन के साथ होता था या नहीं होता था? इंजन के साथ होती थी, रनिंग कंडीशन में चला के लेके आते थे। सही। ब्रेक्स नहीं होते थे, हैंडब्रेक पे लेके आते थे। तो वो गाड़ी जब हम लेके आते थे तो पेपर्स की कंप्लीट रिटर्न फाइल हमारे पास आती थी, टैक्स शॉर्ट होता था, टैक्स वगैरह भरवाने के बाद तकरीबन वो हमें 1-1.5 लाख रुपये की पड़ जाती थी। अब वो जो मुर्दा गाड़ियाँ हैं विदाउट टैक्स भरवाने के बाद, फाइल किसी की पूरी है किसी की नहीं है, अब क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम होने शुरू हो गई हैं, रेयर होती जा रही हैं, तो गाड़ियाँ रेयर होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। जो स्टॉक जो इनके पास गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो मुर्दा हालत में जिसे हम कहते हैं, तो वो गाड़ियाँ तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये मांगते हैं। मतलब जिस तरह अभी आप मुझे बता रहे थे कि 4.5 का बजट रखकर मैं आपके पास आऊँ, तो मतलब 8 लाख रुपए जो है मेरे पास होने चाहिए तैयार होने के बाद। ऑलराइट व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच उबैद भाई, आपका आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।